हेलो गाइस, मेरा नाम है सीबीराज। स्वागत है आप सभी लोगों का सुपर इंग्लिश क्लास चैनल में। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की अफर्मेटिव एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज क्लास 10th की बुक ए न्यू स्टाइल इंग्लिश ग्रामर से ली गई है। इसमें हमने टोटल 10 सेंटेंस कवर किए हुए हैं। अफर्मेटिव एक्सरसाइज बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर याद रखना है। इसमें बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है और रूल इसके दो ही हैं, वो भी बहुत सिंपल हैं। तो यहाँ पर अफर्मेटिव एक्सरसाइज को समझने के लिए स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा जाएगा सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, इसमें हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होगा और उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो आगे का सेंटेंस अभी बनाएंगे। इसमें रूल जो है आई और बी के साथ लगेगा शैल, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में सभी के साथ विल लगा देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप विल भी लगा दीजिए सभी सब्जेक्ट में तो भी सही हो जाएगा। और इसमें एक रूल है, कल की स्पेलिंग के लिए लिखा जाएगा टुमारो, ना कि स्टरडे। स्टरडे पास्ट टेंस में लगता है। तो इसमें पहला सेंटेंस बना के देखते हैं, मैं इस वर्ष हाई स्कूल की परीक्षा दूंगा। तो इसमें लिखा है सबसे पहले मैं की लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आई, आई लिख लिया, सेल लिखेंगे इसके साथ, या बिल भी लिख सकते थे, सेल आई बी के साथ सेल लगता है। गिव मीन्स देना होता है, तो यहाँ पर हो गया गिव। द हाई स्कूल की परीक्षा है लिखा, तो हाई स्कूल लिखेंगे, द हाई स्कूल एच आई जी एच हाई स्कूल एस सी एच डबल ओ एल स्कूल। एग्जामिनेशन ई एक्स ए एम और आई एन ए टी आई ओ, एग्जामिनेशन की हो गई, एग्जामिनेशन की स्पेलिंग। और दिस ईयर लिखेंगे, इस वर्ष है, तो दिस ईयर वाई ई ए आर, ईयर मीन्स वर्ष होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। अगला लिखा है, हम इस वर्ष अवश्य सफल होंगे। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा वी, बी है इसमें सब्जेक्ट, तो इसमें हो गया वी, इसमें लगा देते हैं विल क्योंकि ये धमकी वाला है, अवश्य जिसमें आ जाए उसमें विल लगाते हैं इसे। विल सक्सेस मीन्स सफल होना होता है, एस यू डबल सी ई डबल एस सक्सेस। अब इसमें दिस ईयर लिखेंगे क्योंकि इस वर्ष है, तो दिस ईयर वाई ई ए आर कम्प्लीट हुआ। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है, तुम्हारे भाई आज चिड़ियाघर देखने जाएंगे। तो इसमें बनाने के लिए सबसे पहले यू लिखेंगे, तो यू नहीं फ्रेंड, योर लिखेंगे, योर ब्रदर, तो यहाँ पर हो जाएगा योर ब्रदर, बाई ओ यू आर योर ब्रदर, बी आर ओ टी एच ईर ब्रदर। अब विल लिखेंगे, विल गो मीन्स जाना होता है, तो गो टू सी, सी मीन्स देखना हो गया, तो ये सी हो गया, गो टू सी द जू, जू मीन्स होता है चिड़िया घर, जेड डबल ओ जू, जू मीन्स चिड़िया घर। लास्ट में फुल स्टॉप, कंप्लीट हुआ सेंटेंस। अगला सेंटेंस लिखा है, तुम्हें यह कार्य अवश्य करना पड़ेगा। तो इसमें लिखेंगे यू शुरुआत में, तो यू यहाँ पर लिखते हैं, सब्जेक्ट है यू, यू लिख लिया, विल। अब यहाँ पर अवश्य के हम डेफिनेटली लिखते हैं, वैसे डेफिनेटली लास्ट में भी लिखा जा सकता था, डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, डेफिनेटली मीन्स अवश्य हो गया या जरूर करेंगे, डेफिनेटली लिख लिया। अब इसमें डू मीन्स होता है करना, तो यहाँ पर हो जाएगा डू, डू लिख दिया, उसके बाद लिखेंगे दिस वर्क लिखते हैं आगे, यह कार्य है, तो दिस वर्क। आप लोग डेफिनेटली इधर भी लिख देते तो भी सही था। अब देखते हैं पांचवा सेंटेंस, हम आज अजायब घर देखने अवश्य जाएंगे। तो इसमें वी लिखेंगे, वी मीन्स होता है हम, तो यहाँ पर हो गया वी, विल, विल लिख लिया। अब इसमें डेफिनेटली लिखते हैं, डी ई एफ आई एन आई टी ई एल वाई, डेफिनेटली हो गया। और गो टू सी, सी मीन्स देखना होता है, सी द म्यूजियम मीन्स होता है अजायब घर, म्यूजियम में नीचे लिखते हैं, एम यू एस ई यू एम म्यूजियम। आप टुडे लिखेंगे क्योंकि सेंटेंस में आज लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया टुडे। तो ये पांच सेंटेंस इस तरह से कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखते हैं अगला सेंटेंस, ये सेंटेंस लिखा है, परसों चाचा जी दिल्ली बिरला मंदिर देखने जाएंगे। तो इसमें परसों की स्पेलिंग आप शुरुआत में लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे द डे आफ्टर टुमारो, ए एफ टी ई आर आफ्टर टुमारो, टी ई एम ओ डबल आर ओ डब्लू, यहाँ पे डबल आर बना हुआ है, डबल आर ओ डब्लू है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये परसों की स्पेलिंग हो गई,
अंकल जाएंगे तो यहाँ पर होगा यू एन सी एल ई अंकल, विल लगाते हैं इसमें, विल गो टू सी, सी मीन्स देखना होता है, बिरला मंदिर, तो यहाँ पर हो गया बिरला की लिखेंगे वी आई और आर एल ए बिरला, मंदिर की लिखेंगे एम ए एन डी आई आर, मंदिर भी लिख सकते थे चाहे तो टेम्पल भी लिख देते तभी सही था। और दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में है बिरला मंदिर, तो यहाँ पर लिखेंगे इन दिल्ली, डी ई एल एच आई, फुल स्टॉप लगाए, सेंटेंस कंप्लीट हुआ। अगला सेंटेंस लिखा है कल महेश अपने परिवार सहित कुतुब मीनार देखने जाएगा, तो इसमें कल के शुरुआत में लिख देते हैं, तो यहाँ पर होगा टुमारो, टी ई एम ओ डबल आर ओ डब्लू, टुमारो मीन्स होता है कल, क्योंकि ये आने वाला कल है, तो टुमारो हो गया। महेश की लिखेंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट महेश है, तो एम ए एच ई एस महेश अपने परिवार सहित कुतुब मीनार देखने जाएगा, तो विल लगाते हैं इसमें, विल गो लिखेंगे, जाएंगे गो हो गया, टू सी, सी के बाद लिखेंगे कुतुब मीनार की, तो क्यू यू टी ए बी कुतुब मीनार, एम आई एन ए आर मीनार, और अपने परिवार के साथ है तो यहाँ पर हो गया विद हिज एच आई एस हिज फैमिली, एफ ए एम आई एल वाई फैमिली के साथ है तो विद हिज फैमिली हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री आगामी चुनाव में भाग लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा आवर करंट प्राइम मिनिस्टर, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री, तो ये हो गया आवर, ओ यू आर आवर प्राइम मिनिस्टर, पी आर आई एम ई प्राइम और एम आई, यहाँ पर एक चीज़ छूट रही है फ्रेंड, करंट वर्तमान है तो सी यू डबल आर ई एन टी करंट प्राइम मिनिस्टर, एम आई एन आई एस टी आर, तो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री की स्पेलिंग लिखेंगे आवर करंट प्राइम मिनिस्टर, इतना लिखेंगे, फिर इसके बाद बिल का यूज करेंगे, बिल लगेगा, और भाग लेना की होती है, भाग लेना मतलब उसमें जुड़ेंगे तो पार्टिसिपेट लिखेंगे, पी ए आर टी आई सी आई पी ए टी पार्टिसिपेट, और आगामी चुनाव, आने वाले चुनाव में, तो इन द अपकमिंग, अपकमिंग हो गया अपकमिंग इलेक्शन, ई एल ई सी टी आई ओ एन, तो इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। अगला सेंटेंस लिखा है लक्ष्मी कल तक यहाँ अवश्य ही आ जाएगी, तो इसमें लक्ष्मी की शुरुआत में लिखते हैं, तो एल ए के एस एच एम आई, आप लोग एल ए एक्स एम आई लिखेंगे तब भी सही है लक्ष्मी की, अब इसमें बिल हो गया, और डेफिनेटली लिखेंगे जरूर आ जाएगी, डी ई और एफ आई एन आई टी ई एल वाई डेफिनेटली हो गया, और कम यहाँ आ जाएगी, कम हियर हियर, और टुमारो टी ई एम ओ डबल आर ओ डब्लू, ये डबल आर बार बार छूट रहा है, ये टुमारो की स्पेलिंग हो गई। और लास्ट वाला सेंटेंस लिखा है कल तेज हवा चलेगी, तो इसमें सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कल की, लिख सकते हैं कल हम लास्ट में लिखेंगे, तेज हवा चलेगी तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग लिखेंगे, एस टी आर ओ एन जी स्ट्रॉन्ग विंड, डब्ल्यू आई एन डी विंड मीन्स हवा होता है, तेज हवा, और बिल यहाँ पर लिखेंगे विल, ब्लो मीन्स बहेगी या चलेगी, ब्लो टुमारो टी ई एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, तो इस तरह से 10 सेंटेंस कंप्लीट हुए। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये एक्सरसाइज पसंद आई होगी, इसमें हमने अफर्मेटिव के 10 सेंटेंस कंप्लीट कराए हैं, और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दो जिन लोगों को ऐसे वीडियो देखने की ज़रूरत है। और हमने प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर तक के सभी सेंटेंस पे वीडियो बनाए हैं, आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए बाय बाय, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप कमेंट में बताइए ये नेगेटिव एक्सरसाइज हम कंप्लीट कराएंगे या फिर डायरेक्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस लेके आएँ।